हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आज रिलीज हुई एक नई हॉलीवुड मूवी की जिसका नाम है मॉन्स्टर हंटर्स। ये मूवी आपको हिंदी इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी और सबसे अच्छी बात यह है कि ये 3D में भी रिलीज़ हुई है। मूवी की ओवरऑल लेंथ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1 घंटे 40 मिनट की है। तो अगर ये मूवी आप लोगों को देखना है तो उससे पहले आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद आप लोग 100% डिसाइड कर पाओगे कि ये मूवी आपके मतलब की है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के प्लॉट की, जो कि शुरू होता है नटालिया आर्थिम में से, जो कि एक सोल्जर है। वो अपनी टीम के साथ एक मिशन पर होती है, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है जब उस मिशन के दौरान आता जाता है एक तूफ़ान, और उस तूफ़ान में वो लोग ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं या टेलीपोर्ट हो जाते हैं एक ऐसे वर्ल्ड में जो ऑब्वियसली उनका वर्ल्ड है नहीं, लेकिन इस वर्ल्ड में काफ़ी मॉन्स्टर है जिनसे अब इनको किसी भी हाल में बचना है। तो अब ऐसे में उनकी मुलाकात कैसे होती है, टोनी जा के कैरेक्टर द हंटर से, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये पर्टिकुलर मूवी। खैर अब बात करें इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, जो कि बेस्ड है एक वीडियो गेम पर, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा है कि ये वीडियो गेम खेलते किस तरह से, और मैंने कभी इस वीडियो गेम को खेला भी नहीं है। लेकिन मैं एक्साइटेड इस वजह से था क्योंकि मुझे मॉन्स्टर से रिलेटेड मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, और इसका जब मैंने ट्रेलर देखा था तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया था कि भाई इस मूवी को तो देखना है। और बस वही एक वजह थी कि भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो इस मूवी का देखा, और अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने इस मूवी को देखा ही क्यों सीरियसली, क्योंकि मैं एज ए रिव्यूअर बहुत सारी मूवीज़ देखा, बहुत सारी अनगिनत, मैं हफ्ते में काउंटलेस मूवीज़ देख लेता हूँ, सीरीज देख लेता हूँ। तो उस हिसाब से मेरे लिए इसके प्लॉट में कुछ भी नया नहीं था, हालांकि कुछ प्लॉट था ही नहीं। ये तो कोई जो मूवीज़ देखता है तो मैं भी बोल देता कि भाई इस तरीके की सिचुएशन डाल दो और उस पर मूवी बन जाती। कैन यू बिलीव इट, क्या है उल्जर्स की टीम है, वो जा रही है, तूफान आ गया, वो लोग टेलीपोर्ट हो गए दूसरे वर्ल्ड में, बस वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ पे और भी पोर्टल, डजेंट मेक एनी सेंस। उसके अलावा अगर इस मूवी में अगर आप मॉन्स्टर की CGI देखें तो कुछ जगह पे CGI अच्छे लगते हैं, कुछ जगह पे इतना डिजास्टरस CGI के वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। और जो अंधेरे के सीन्स है, बहुत ज़्यादा अंधेरे की सीन से, और वहाँ पर जो पिक्चराइजेशन है बहुत घटिया है यार, एकदम घुस के देखना पड़ता है भाई, अंधेरे की सीन्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसके अलावा मूवी में आपको बहुत एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे, कुछ आपको बहुत अच्छे लगेंगे, कुछ आपको इतने खास नहीं लगेंगे। और अगर टोनी जा और मिला जोविच की परफॉर्मेंस की बात करें, दोनों ही ज़बरदस्त एक्शन स्टार्स है, और उसमें रॉन पर्लमैन का भी हमको कैमियो देखने को मिलता है, जो कि हमें लास्ट के कुछ 20 मिनट में नज़र आते हैं। उनका काम भी अच्छा है। और हाँ, यहाँ पर एक बड़ी बिल्ली, आपने एक छोटी छोटी बिल्ली देखा होगा कैट, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी कैट देखने को मिलती है यार, वो कैट इतनी ज़्यादा अनरियलिस्टिक लग रही थी, हालांकि आपको पता है कि वो CGI, लेकिन इतना गंदा CGI किया कि मतलब हॉलीवुड की मूवी से आप लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं बस आपको इतना बोलूँगा कि अगर आपको एक ऐसी मूवी देखना है जहाँ पर आपको स्टोरी देखने को नहीं मिले, ना ही कोई लॉजिक देखने को मिले, ना ही कोई एक्सप्लेनेशन हो कि भाई ये चीज़ें हुई कैसे, ना ही कोई आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिले, तो ये मूवी आप जाके ज़रूर देख सकते हो, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप टोनी जा या मिला जोवोविच को देखकर, या ये मूवी एक वीडियो गेम पर बनी है इसको देखकर अगर आप ये मूवी देखने जाओगे, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होगे। तो यार अपने पैसे बचाओ, मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि भाई ये मूवी थिएटर्स में देखने से अच्छा अगर होम रिलीज़ होगी ना तब देखो, ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर वो चाहते हैं कि बड़े मॉन्स्टर्स को देखना है, तो ये मूवी लेकर जाओ, शायद उनको अच्छी लगे। पेरेंटल गाइडेंस की बात करो तो इसमें कोई भी एडल्ट सीन है नहीं, आप अपने फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। और अगर रेटिंग्स की बात करो तो मैं इसको 5/10 दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।